बिल्कुल सही कहा जी, मैं एग्री करता हूँ आरफ साहब से कि जो वेल कंपनी थी जिसमें अच्छे लीडर्स मौजूद थे, वो कहते हैं कि अगर आप 900% ओवर 10 ईयर्स, उन्हें कहा जी आप अपने आप को एक मैनेजर्स को बनने के लिए कितना टाइम चाहता है, वो कहते हैं कि आप अपने आप को 10 सालों में रखें, आपने किसी कंपनी में, दिस इज द पॉइंट टू एवेल्युएट योर सेल्फ, कि आप अपनी कंपनी में 10 साल का मौका मिला, आपने 10 साल वहां गुजारे, उन 10 सालों में आपकी ग्रोथ 900% होगी जी, हर एरिया में, आपकी सोच में, आपकी इनकम में, आपकी मैनेजमेंट स्किल्स में, आपकी डीलिंग में, आपकी कम्युनिकेशन में, एवरी एरिया, उसमें 900% ग्रोथ होनी चाहिए। और वो ग्रोथ होती है जिसमें लीडरशिप काम कर रही हो, जिसमें लीडरशिप ने आपको इंस्पायर किया है। और अगर ऐसा नहीं है तो जो दूसरी रिसर्च है जहां पे पुअर लीडर्स थे, जिन कंपनियों में लीडरशिप अप्रोच नहीं थी, लीडरशिप का कॉन्सेप्ट नहीं था, जो नहीं समझते थे कि लीडर्स होते क्या हैं, उनको पता ही नहीं था, उन्होंने देखा ही नहीं कभी तक लीडर्स का रोल क्या होता है, कॉम्प्रोमाइज करते हैं, हमें पता नहीं होता लीडर होते क्या, कहते उन कंपनियों में क्या होता है, वहां पे लोगों ने 10 साल गुजारे, उनकी ग्रोथ हुई 74%। 74% भी कैसे होती है सर? फिर काम करती है लक। इकबाल कहता है कि तवक्कल का ये मतलब है कि खंजर तेज रख अपना, फिर इस खंजर की तेजी को मुकद्दर के हवाले कर। खंजर तेज ही नहीं था, खंजर तो रख दिया, लेकिन अगर किसी वक्त पड़ा तो चल गया, वो तो लक है, वो तो हम करते नहीं ऐसा कि जब हमारा बिलीव अपनी जात पे होता है तो हम कहते हैं मेरे पास पिस्तौल है, चलो चलते हैं, कोई बात नहीं, रात के अंधेरे में सफर करना, मेरे पास 222 है, नो इशू। तो जब ना हो तो क्या करते हैं, यार आयतुल कुर्सी पढ़ ले, यार चारों गोल पढ़ ले। हमारा बिलीव इतना कमजोर हो चुका है कि हम ये वो चीजें हैं जिस पर लीडरशिप काम करती है, कि लीडरशिप, हम अपनी मैनेजमेंट स्किल को लीडरशिप पे ले आते हैं और लीडरशिप स्किल को मैनेजमेंट पे पीछे ले जाते हैं। अलमिया हमारा ये है कि हम अपनी मैनेजमेंट जो स्किल्स है उसको ऊपर हैंड ले जाते हैं। मैनेजमेंट स्किल्स तो पहले लीडरशिप किताबें हैं, आप लीडरशिप फिनोमिनों को हावी करें, जब लीडरशिप फिनोमिनों को आप हावी